हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि दो कलर मिला के जींस कलर कैसे करें न्यू कलर में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जींस का हालत देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है। जींस को पानी में गीला करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा किस तरह कलर करना है। जींस को किसी चीज़ पर रखेंगे पानी गड़ने के लिए। पतीला रखेंगे, 5 लीटर पानी इसमें डालेंगे, गैस ऑन करेंगे, लकड़ी का डंडा लेंगे, 50 ग्राम नमक डालेंगे और पानी को 10 मिनट उबालेंगे। दस मिनट हो चुका है। कलर इसमें डालेंगे जो कि मैंने लिया है कदम पक्का रंग रेड। अगर आपको लेना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। एक पॉकेट इसमें डालेंगे। कलर को फेंट लेंगे, दूसरा कलर फिर इसमें डालेंगे। कदम पक्का रंग इसमें डालेंगे ब्लैक कलर। एक पॉकेट इसमें डालेंगे। कलर को 10 मिनट उबालेंगे। न्यू कलर बन चुका है। 10 मिनट हो चुका है। हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे ताकि हाथ पे कलर ना लगे। जींस का पानी अच्छी तरह से निकाल देंगे। जींस को कलर में डालेंगे। गैस ऑन रखेंगे और जींस को इसी में 45 मिनट रखेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। पाँच मिनट पे जींस ऊपर नीचे करेंगे। डेनिम जैकेट कलर करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉटन का जैकेट कलर करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टी शर्ट कलर करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाफ पैंट कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायफिक्स यूज कैसे करें उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जींस को कलर में इसी तरह से दबेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। डायफिक्स इसमें डालेंगे जो कि मैंने लिया है। डायफिक्स यूज करने से यही फायदा होगा कि कपड़ा का कलर फिक्स हो जाएगा। जींस को ऊपर नीचे करेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। पैंतालीस मिनट हो चुका है। गैस ऑफ करेंगे। जींस को बाहर निकालेंगे कलर करने के लिए।
कलर गढ़ चुका है, डाईफिक्स वाला पानी में डालेंगे और उसमें 10 मिनट रहने देंगे ताकि कलर फिक्स हो जाए बढ़िया से। दस मिनट हो चुका है, जींस को बाहर निकालेंगे। पानी गड़ने के लिए कुछ देर इसी तरह से रखेंगे। सूखने के लिए रस्सी पर डालेंगे। सूखने के बाद देखिएगा कितना बढ़िया जींस का कलर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचेगा।